मॉनसून की दस्तक के बाद पूर्वी प्रदेश में लगातार भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 से 5 दिनों तक पूर्वी प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में 2 से 3 जिले ऐसे हैं जहां मॉनसून की दस्तक के बाद अब तक कम बारिश दर्ज की गई है, बाकी जिलों में अच्छी बारिश हुई है। हालांकि अगले 4 से 5 दिनों तक राजधानी देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिलों के अलावा प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों, खासकर कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी जिलों में इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को लेकर मौसम विभाग ने आम जनता को सतर्क रहने की भी चेतावनी दी है। बिल्कुल, पूरे सीजन की बात करते हैं, जून में तो थोड़ी हमको कम थी डेफिशिएंट का मानसून जो है, लेकिन जुलाई में हमको अच्छी बारिश मिली और आज आपकी जो है 25 तारीख हो गई है, तो करीब करीब 5 से 6 दिन और बचे हैं हमारे जुलाई के, तो उसमें भी ठीक ठाक एक्टिविटी आगे मिलेगी। तो अभी जो पास्ट का अगर देख लें, सीजन की हम बात करें तो उसमें बिल्कुल हम नॉर्मल पे पहुंच गए हैं। -4 है तो -19 से +19 के बीच अगर रेंज मिली है तो वो नॉर्मल में आती है। और इसी तरह अगर मंथ की बात करें तो मंथ में तो हमारा थोड़ा जो है 1% अभी ज़्यादा ही है, +19 से ऊपर ही है, +20 तक आ रहा है आज की डेट में। और डेली की भी बात करें तो ठीक है, नॉर्मल मानसून मिल रहा है रेगुलर ही डे टू डे में, आज भी वो नॉर्मल रहा है। और हैवी रेन से अगर बात करें तो वो भी मिली है पास्ट 24 आवर्स में, जैसे आपका जो है मसूरी में 120 mm मिली है, इसी तरह कपकोट में है बागेश्वर में तो उसमें जो है 100 mm मिली है। इसी तरह आप देखेंगे जो लोअर खेत तो वहाँ 68 है, उखीमठ में भी 60 mm है, चमोली में भी अच्छी रेन मिली है और काला डूंगी में देखें तो वहाँ भी 71 mm के आसपास जो है वो रेन मिली है, जो कि आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो ठीक है, देहरादून, नैनीताल या बागेश्वर, पौड़ी, ये डिस्ट्रिक्ट रखे तो मिली है, ठीक रेन मिली है इनमें जो है। और ओवरऑल आज पास 24 आवर्स का तो नॉर्मल में है, नॉर्मल एक्टिविटी वो मिली है।